everyone, this is Ankita Mishra and you are watching Next 9 Life. In the know, बॉलीवुड से एक और उभरता हुआ सितारा निकल रहा है. हम बात कर रहे हैं विक्रांत मैसी की. टेलीविजन से शुरुआत की, बॉलीवुड में अपना परचम लहरा रहे हैं. हाल में ही 12th फेल उनकी ऑस्कर 2024 के लिए पहुंचा दी गई है. लेकिन सुशांत सिंह राजपूत को लेकर के विक्रांत मैसी ने जो खुलासे किए हैं इस पर जिक्र करते हैं. सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद सालों बाद उन पर कई खुलासे होते हैं. हाल में ही रिया चक्रवर्ती के कई ऐसी रिपोर्ट सामने आई जिसमें बताया गया कि रिया चक्रवर्ती विदेश जाना चाहती हैं, लेकिन विदेश जाने का जो उनका कारण उन्होंने बताया है वो झूठा निकला. ऐसे में क्या रिया चक्रवर्ती जानबूझ करके कोर्ट से झूठ बोल रही हैं? क्या झूठ बोल करके वे विदेश जाना चाहती थी? क्यों आखिर वो इस तरीके का झूठ अपना रही है? तमाम चीजें इन दिनों एक बार फिर से सामने आ चुकी हैं, या यूं कहें कि सुशांत सिंह का मामला इन दिनों काफी चर्चाओं में है. और अब विक्रांत मैसी ने इसी दौरान एक बयान दे दिया. बयान में विक्रांत मैसी ने बात तो एकदम सिंपल कही, लेकिन एक ऐसा शब्द कहा जिसके बाद ये तमाम जो चीजें हैं वो एक और जा करके टिक गई, और वो है बॉलीवुड में चल रही राजनीति के बारे में. बॉलीवुड में जिस तरीके से राजनीति चल रही है, इंडस्ट्री में जिस तरीके से राजनीति चल रही है, इससे हर कोई वाकिफ है. और कहा यह जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत ने इसी इंडस्ट्री से परेशान होकर के इस तरीके का फैसला लिया था. सुशांत सिंह राजपूत के साथ काम कर चुके विक्रांत मैसी ने आखिर ऐसा क्या कहा है और क्यों बॉलीवुड को लेकर के इस पर निशाना साधा जा रहा है, उसके लिए देखिए ये रिपोर्ट. बॉलीवुड एक्टर विक्रांत मैसी की गिनती इंडस्ट्री के टैलेंटेड एक्टर्स में से की जाती है, जिन्होंने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया, टीवी से आकर करियर की शुरुआत की, और एक्टर ने बॉलीवुड में अपने दम पर अपनी एक अलग पहचान भी बना ली है. हाल में ही एक्टर 12th फेल फिल्म में नजर आए थे. दर्शकों को ये फिल्म काफी पसंद आई. विधु विनोद चोपड़ा के निर्देशन में बनी कम बजट में इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जोरदार प्रदर्शन किया था. वहीं विक्रांत मैसी ने बॉलीवुड इंडस्ट्री को लेकर खुलकर बात की है. इसके अलावा उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को लेकर के भी खुलकर के बात की है. बता दें, उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद सोशल मीडिया पर हुई चर्चाओं और मीडिया ट्रायल पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. सालों बाद विक्रांत मैसी ने सुशांत को लेकर जो कुछ भी कहा, इसको सुनने के बाद फैंस को एक बार फिर से सुशांत की याद आ चुकी है. विक्रांत का कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत के निधन केस में जिस तरीके की लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आई थी, वो उनसे काफी परेशान हो गए थे. विक्रांत ने हाल में ही एक पॉडकास्ट में इसका खुलासा किया. बीते कुछ सालों से जिस तरीके से केसेस सामने आ रहे हैं, कई एक्ट्रेस भी इसमें शामिल हैं, और क्या इससे वो परेशान होते हैं? इस सवाल का जवाब देते हुए विक्रांत कहते हैं कि सुशांत सिंह के निधन के बाद मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया था, और इसके बाद जो मीडिया ट्रायल हुआ, उनके निधन को लेकर सोशल मीडिया पर जिस तरीके की बातें सामने आ रही थी, उनकी पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप, प्रोफेशनल स्ट्रगल को पब्लिक डोमेन में ला कर रख दिया था. कितनी बात सच थी, कितनी झूठ, इस पर नहीं कहा जा सकता. एक्टर ने आगे कहा कि सुशांत सिंह के निधन पर सोशल मीडिया पर लोगों के कॉमेंट आने शुरू हो गए. ये सब कुछ करीब 45 दिन तक चला, लेकिन शुरुआती 15 दिन तक लोगों ने खूब इसे एंजॉय किया. मुझे लगता है कि हम वास्तव में यही हैं. ये भी हमारी वास्तविकता का एक हिस्सा है और दिल तोड़ देने वाला है. वहीं एक एक्टर से पूछा गया कि सुशांत के निधन पर कई सेलिब्रिटीज ने चुप्पी साधी हुई थी. इस पर एक्टर कहते हैं कि यही वजह है कि मैं कभी इस इंडस्ट्री को परिवार नहीं कहता. ये एक कम्युनिटी है, लेकिन परिवार नहीं. विक्रांत मैसी के इस तरीके के बयान पर एक बात तो साफ है कि विक्रांत भी बॉलीवुड का वो हिस्सा होने के बाद अब समझ चुके हैं कि आखिर बॉलीवुड में लोग किस तरीके से रहते हैं. जो लोग बॉलीवुड को अपना परिवार कहते हैं, वो कितने बड़े झूठ में अपने आप को रख चुके हैं. इसके बारे में विक्रांत मैसी ने अपने बयान में इशारा किया. कहीं ना कहीं विक्रांत मैसी का ये बयान सुनने के बाद लोगों को एक बात तो साफ हो गई कि बॉलीवुड में हो रही इन्हीं अनबन के बीच में सुशांत का एक
खास नाता है। यही वजह है कि सुशांत ने बॉलीवुड से तंग आकर इस दुनिया को अलविदा कह दिया। हालांकि ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन कई लोगों ने जिस तरीके से बॉलीवुड के लोगों के ही बयान सुने हैं, उससे ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि इंडस्ट्री के अंदर चल रही राजनीति से कई लोग इस तरीके की घटना का शिकार हो चुके हैं। वेल, बात करें विक्रांत की, तो विक्रांत की हालिया रिलीज 12वीं फेल को काफी ज्यादा लोगों ने पसंद किया और अब ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेशन भी भेजा जा चुका है 2024 के लिए। फिल्म में कमाल हसन के साथ साथ संजय दत्त, फरहान अख्तर, अनिल कपूर जैसे कई बड़े कलाकार हैं।